मेरा ख्याल है रजी, तुम अपनी बेटी की लाइफ में कम से कम इंटरफेयर करो तो इसी में उसकी बेहतरी है। उस बेवकूफ की भलाई के लिए ही तो कह रही हूँ, कितना अपसेट कर दिया उसने बेचारे सारिम को। अरे बेटी के ससुराल में पूरी रात चौकीदारी करने से तो बेहतर था कि हम अपने घर चलते। माशाल्लाह, आपकी जबान की तेज धार बता रही है कि अब आपकी तबीयत कुछ बेहतर है। इससे पहले कि मैं आपकी तबीयत साफ कर दूं, चलें। अरे भाई, मैं जरूर चला चलता आपके साथ अगर मैं उसी वक्त आपकी लगाई हुई आग पर पानी नहीं डाल देता। अभी सबर करें। ऐसी कौन सी आतिश अमरूद भड़का दी मैंने? अरे रजी, कैसे समझाऊं मैं तुम्हें, ये हमारी बेटी का ससुराल है, आपका ससुराल नहीं है। और हमारी बेटी के ससुराल वालों में शायद इतना स्टैमिना नहीं है, इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है जितने आपके हस्बैंड का स्टैमिना है। बड़ा स्ट्रॉन्ग था, सारी जिंदगी पेंडोलम की तरह दाएं से बाएं झूलते रहे, लेकिन जिंदगी में कभी एक फैसला ना कर सके। हाय हाय, खुदा की कसम, अगर तुमसे मोहब्बत ना होती ना, तो मैं जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला बहुत पहले कर चुका हूँ। ये मोहब्बत का राग बाद में अलाप लेना, अभी तो चलो। अच्छा सुनो, ये फजर होने में सिर्फ एक घंटा है, ये सब उठेंगे, इनसे खुदा हाफिज करेंगे, फिर चलेंगे।